सब्सक्राइब कीजिए एसके ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट मोर एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार और स्वागत है आप सभी का एसके ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नाटा 2019 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस के बारे में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये नाटा 2019 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस के बारे में है। तो दोस्तों, ये प्रिपरेशंस का सीरीज जो है आज से इस वीडियो से स्टार्ट होता है। और यदि दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रिपरेशंस के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे जो कि नाटा 2019 एग्ज़ाम को क्रैक करने में आप लोगों को के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे अब इसमें एप्टीट्यूड सेक्शंस को, जनरल एप्टीट्यूड को पहले, इसके बाद मैथमेटिक्स सेक्शंस को भी हम लोग देखेंगे और लास्ट में जो है ड्राइंग सेक्शंस को भी हम लोग देखेंगे और साथ ही प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड में हम लोग को पढ़ना क्या है, इसके बाद जो है हम लोग डिसाइड करेंगे किस तरह से क्लास होगा और कितने टाइम बाद जो है आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे आप लोगों को बराबर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जनरल एप्टीट्यूड में जो होता है वो जो है आपका क्वेश्चंस जो आता है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से, जिसमें कि आपको पढ़ना है द फ्रंट व्यू, साइड व्यू, प्लेन व्यू, ये सब टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद इसका मैं मॉडल सेट भी दूंगा, प्रत्येक चैप्टर को जब पढ़ाऊँगा तो उस चैप्टर यदि कम्प्लीट होगा तो उसका एक मॉडल सेट दूंगा, क्वेश्चंस रहेंगे और उसको यदि आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो समझ जाइए आप लोग का प्रिपरेशन ठीक ठाक हो रहा है। और आपको जो है उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर के सेंड करने हैं, वो जो मॉडल सेट का क्वेश्चंस रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो जो है बेसिकली आपका प्रिपरेशन का वीडियो नहीं है, ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन टाइप का वीडियो है समझिए, बट जनरल एप्टीट्यूड का ये प्रिपरेशन का वीडियो कह सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि पहला टॉपिक का मैंने नाम लिया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फेमस बिल्डिंग्स एंड इट्स आर्किटेक्चर। प्रीवियस ईयर यदि क्वेश्चंस देखें तो बहुत फेमस बिल्डिंग्स से क्वेश्चंस फिक्स रहता था, लेकिन जो है पिछले साल में जो है फेमस बिल्डिंग से क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो इसके बारे में जानेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, एक एक अलग अलग सिटी में जा करके किस सिटी में कौन कौन से बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, बड़े बड़े टावर हैं, तो ये सब जानेंगे हम लोग। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आर्किटेक्ट्स एंड देयर बिल्डिंग्स, मतलब कोई भी आर्किटेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके द्वारा बनाया गया कौन कौन सा बिल्डिंग है या कौन सा टावर है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक आता है टॉपिक बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल के बारे में भी पढ़ेंगे, प्लास्टरिंग, फिनिश, फ्लोरिंग, स्टील, ग्लास, ग्रास, टाइल्स, कंक्रीट, पीवीसी, हैचिंग, मैसनरी, स्ट्रक्चर्स, ये सब के बारे में हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल्स वाला चैप्टर जब शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग इसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं यूनिट 10 जो होगा वो होगा आर्किटेक्चरल ग्लोसरी। तो इसमें जो रहेगा आपको बेसिक एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और आपको करने होंगे, ये सब मैं जो अभी बता रहा हूँ ये जनरली चैप्टर का नाम है ये सब, और ये सब चैप्टर को हम लोग करेंगे। इसके बाद एक आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, उसमें जो रहेगा वो रहेगा वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स, वर्ड्स ग्रुप्स, लेटर ग्रुप्स, नंबर ग्रुप्स, सीरीज नॉन वर्बल, सीरीज वर्बल, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, ये सब टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। इसके यदि हम लोग एनालॉजी में बात करें तो एनालॉजी में रहेगा और रिलेशनशिप, वर्ड्स एनालॉजी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशनशिप्स, कैलेंडर, क्लॉक, टाइम, डिस्टेंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, एंटोनियम्स, साइनोनियम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, कॉमन एरर, जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स है, ये सब जो है चैप्टर जो है आपको पढ़ने होंगे जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शंस में। तो प्रिपरेशंस तो स्टार्ट आज के इस वीडियो से होता है और आपको जो है एवरी डे वीडियो मिलेगा, लेकिन अभी से जो है अभी रेगुलर आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे, एक दो सप्ताह के बाद जो है मतलब फाइनली कहिए कि आपको जो है सितंबर से रेगुलर पर डे आपको एक वीडियोस मिला करेंगे। तो 1 सितंबर से
फाइनली आप लोगों को जो है पर डे एक वीडियोज़ मिला करेंगे। तो इसलिए यदि आप लोग चाहते हैं प्रिपरेशन करना नाटा 2019 के एग्ज़ाम को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बार बार लाइक करते रहें। मैं इसी से मोटिवेट होता हूँ और देखते रहें वीडियो को पूरा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला चैप्टर जो है आता है, वो आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। तो हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छा से जानेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड का जो था ये इंट्रोडक्शन का क्लास था, और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो रहेगा आप लोगों के लिए प्रिपरेशंस का, और मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आऊँगा। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस टॉपिक रहेगा नेक्स्ट डे का वीडियो में, और नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा नाटा के प्रिपरेशंस का, और उसमें हम लोग जानेंगे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, द प्लेन व्यू। जानता हूँ दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे फ्रेंड को ऐसा भी लग रहा होगा, अरे ये तो टॉपिक बहुत ईजी है, ये बहुत हल्का है, लेकिन आप लोग दोस्तों वीडियो को देखा कीजिए, वीडियो को अटेंड कीजिएगा तो प्रैक्टिस होगा। यदि आपके लिए हल्का है तो वीडियो देखना है, प्रैक्टिस होगा आपके लिए। तो बस यही है आपके लिए बेसिक मेरा सजेशन। यदि अच्छा लगा तो फॉलो कीजिएगा, और यदि नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।